नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा स्कैम के बारे में बताऊंगा, बहुत बड़ा फ्रॉड के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये है आपका ऑनररी डॉक्टरेट के नाम पे फेक यूनिवर्सिटीज़ लोगों को पैसा लेकर डॉक्टरेट डिग्री दे रहे हैं। और मैं एक गलत वर्ड यूज़ कर लिया, यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये सारे यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे अभी एक ईमेल आया, तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने बात भी किया इसके ऊपर बहुत सारे एकेडमिशियन के साथ। तो वर्ल्ड पीस यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, पहली बात, ये कुछ भी नहीं है। तो एक कम्प्लीटली फ्रॉड है। और मेरे पास ऐसा ही ईमेल आया, पहले भी बहुत आ चुका है, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन करके, वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, क्या है कुछ पता नहीं, ऑर्गेनाइजेशन भी डॉक्टर डिग्री दे रहे हैं आजकल, और ये कोई एडुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पे रजिस्टर्ड भी नहीं है। मुझे पता है कि यूनाइटेड नेशंस का कुछ खुद इंस्टीट्यूट है जो डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका खुद का एडुकेशन इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, लेकिन कोई ऐसा नॉर्मल ऑर्गेनाइज इंडिया में डिग्री नहीं दे सकता, डॉक्टरेट डिग्री तो दे ही नहीं सकता। तो पहली बात, ये जो ईमेल है इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्या लिखा हुआ, कैसे मैनिपुलेट करते हैं और कैसे ये स्कैम करते हैं। वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, तो ये जो टर्म है इसमें बहुत सारे आपका ये जो टाइटल है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जैसे यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस बहुत ही रेप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका नाम यूज कर रहा है मैनिपुलेट करके, वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। देख के लोगों को लगेगा कि यूनाइटेड नेशंस के साथ कनेक्टेड है, कोई कनेक्शन नहीं है इसका। यूनाइटेड नेशंस खुद खुद भी नहीं जानता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। अप्रूव्ड बाई यूएसए गवर्नमेंट, कोई अप्रूवल नहीं है, कंपनी के नाम पे रजिस्टर करके रखा है, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर वो शो करेंगे। क्या लिख रहा है देखिए, अबाउट द यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं जिसका कोई बिल्डिंग नहीं है खुद का, कुछ भी नहीं है। WPUNU, इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन करके खुद लिख दे रहा हैज बीन एन इनोवेटर इन हायर एडुकेशन। इनोवेटर कैसे होगा, खुद का यूनिवर्सिटी नहीं है इसका। ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन ऑन टेक्निकल कोर्सेज रीचिंग आउट टू एन इमर्जिंग मिडिल क्लास एम्ब्रेसिंग एन अर्बन आइडेंटिटी एंड प्रोफेशनल फोकस एंड प्रमोटिंग अ ग्लोबल विजन। कहाँ से कर रहा है ये सब, खुद नहीं जानता, इसका कोई बिल्डिंग भी नहीं है, कुछ कोर्स नहीं रन करता, कुछ भी नहीं है, लेकिन लिख कर रख रहा है कि एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है। जी न्यूज का रेफरेंस दे रहा है, यूनिवर्सिटी के पास खुद का कोई पेपर नहीं है कि UGC रिकॉग्नाइज है, कुछ है ऐसा एफिलिएशन है NAC के साथ, NAC एक्रेडिएट है, कुछ नहीं है इसके पास। इस जी न्यूज में एक पेड न्यूज उन्होंने PR रिलीज किया है, जो जी न्यूज खुद कहेगा कि ये हमने नहीं, ये PR पेड न्यूज है, उसको रेफरेंस दे रहा है। चेक आवर वेबसाइट, एक फेक वेबसाइट खरीद के बैठा हुआ है। वी आर प्रोवाइडिंग यू with an honorary doctorate on the basis of your work, experience and lifetime. ये honorary doctorate दे रहा है किसी को भी, और उसके लिए कितना चार्ज कर रहा है अभी मैं नीचे बताऊंगा आप लोगों को। अचीवमेंट्स इन योर फील्ड, मतलब जिंदगी में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, इसके लिए आपको ऑनररी डॉक्टोरेट दे रहा है, और दे भी रहा है। आप अगर ईमेल लिस्ट देखेंगे तो रैंडम पीपल को ये भेज रहा है कि आपके जिंदगी में बहुत अचीवमेंट आ गया है, अब आप ऑनरी डॉक्टरेट खरीद लो। यू विल बी ऑनर्ड विद द ऑनरी डॉक्टरेट अलोंग विद लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन। ऐसा कुछ है ही नहीं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन नाम का कुछ है ही नहीं, ये एक फेक ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बना के, एक यूनिवर्सिटी का फेक नाम बना के ऑनरी डॉक्टरेट नाम का कुछ सेल कर रहे हैं, और क्या डिमांड कर रहे हैं, आपसे पैसा डिमांड कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, ये एक ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करेंगे, कहाँ पर कर रहे हैं देखिए, 27 अप्रैल 2024 जनकपुरी न्यू दिल्ली में कर रहे हैं। पुलिस को बताओ या गवर्नमेंट को बताओ, दिल्ली गवर्नमेंट को बताओ, किसी को भी बताओ, ये सारे एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। जब लोग पढ़ाई करके एक PhD करते हैं फिर डॉक्टरेट मिलता है, और ऑनरी डॉक्टरेट भी दे सकते हैं जो ओरिजिनल यूनिवर्सिटीज है, वो बहुत सारे रेप्यूटेड जो इंसान है, राइटर है, इन लोगों को ऑनरी डॉक्टरेट देते हैं, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द सिलेक्शन। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता है, एक दो ऐसा ऑनरी डॉक्टरेट दिया जाता है, बहुत अचीवमेंट होता है जिंदगी में तब मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। ये चीफ गेस्ट एंड पॉलिटिशियन, ये जो रेप्यूटेड लोगों को इन्विटेशन देते हैं, इनको पता ही नहीं है कि कितना बड़ा स्कैम है। तो ये लोग अटेंड करेंगे, तो इनका नाम भी यहाँ पर दे रहे हैं प्रमोशन के लिए।
अवार्ड सेरेमनी हो रहा है 27 अप्रैल 2024। यहाँ पर गेस्ट, चीफ गेस्ट कौन कौन आ रहा है आप देख ही सकते हो, बड़े बड़े कुछ लोगों को बुला लेंगे ये लोग। और इसका बेनिफिट देखिए क्या बेनिफिट दे रहे हैं आपको, अगर आप ये डॉक्टरेट खरीद रहे हो तो आईडी कार्ड दे रहा है, नाम के आगे आप डॉक्टरेट लिख सकते हो, बिना पढ़ाई किए कुछ ना करके आप डॉक्टरेट लिख दो नाम के पहले। आप ट्रॉफी ले जाओ, एक सर्टिफिकेट ले जाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव है, कुछ अप्रूवल नहीं है इसके पास। आपके पास अगर सर्टिफिकेट को मैं दिखा सकता हूँ, मुझे पता नहीं, जूम करके ही दिखा रहा हूँ, कहाँ पर गवर्नमेंट इंडिया का कहाँ पर क्या अप्रूवल है इसके पास, कुछ अप्रूवल नहीं है। आप देखो कुछ अप्रूवल नहीं है, ना यूजीसी रिकॉग्नाइज करता है, ना कोई इंडिया का एडुकेशनल बॉडी और काउंसिल इसको रिकॉग्नाइज करता है, यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। कम्प्लीमेंटरी बेनिफिट आपका क्या है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स और प्रोटेक्शन कमीशन लाइफ टाइम मेंबर्स है, ये आपको दिया जाएगा। ये आपका आईडी कार्ड का सैंपल बेच रहा है ये लोग। और सर्टिफिकेट बाय द मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, क्या ये सर्टिफिकेट है, ये उनके पास जो कंपनी वो एक रजिस्टर करते हैं या तो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करता है, उसका जो आपका आईएसओ सर्टिफिकेट होता है, ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखा देता है कि देखो ये मिनिस्ट्री से अप्रूव है। टोटल फीस देखो, अब पैसा मांग रहा है आपसे, वी हैव लिमिटेड सीट, हमारे पास सीट बहुत कम है, तो आप पैसा देके सीट बुक कर लो, आपने जिंदगी में क्या अचीव किया ये आपके ऊपर है, हम उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, पैसा पहले दे दो। सेमिनार के लिए आप पैसा 65,000 दे दो, रजिस्ट्रेशन फीस आपका लगेगा 10,000, 75,000 आप दे दो, हम तो पहले दे दो 10,000, उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग है वो बाद में देना, रिमेनिंग बैलेंस यू कैन पे 10 to 15 days आफ्टर द सेमिनार। सो पैसा दे दो 65,000, 75,000 और ये ऑनरी डॉक्टरेट ले जाओ। पहला ये सेरेमनी नाम का जो ऑर्गेनाइज करते हैं दिल्ली में, इसका ऐसे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, कुरियर मोड में भी भेज देंगे, अगर आपके पास जाने का भी टाइम नहीं है फिर भी आप खरीदना चाहते हो ऑनरी डॉक्टरेट, तो आपको ऐसे पैसा देके वो लोग दे देंगे, घर में पहुंच जाओगे 35-50 days में पहुंच जाएंगे। ये प्रीवियस कुछ लोग जिसको उन्होंने जिन लोगों के साथ स्कैम किया हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है, उसका फोटोज देखो नीचे नीचे दिया हुआ है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मैं मुझे लगता है कि ये जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये आप देख रहे हो उनका डिटेल्स भी दिया हुआ है, इनके ऊपर इमीडिएटली कुछ एक्शन होना चाहिए, या तो यूजीसी करे या तो आप लोग एफआईआर फाइल करो, कुछ भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि पढ़ाई इतना आसान नहीं है, लोग पढ़ के एग्ज़ाम दे के फिर 3-4 साल 5 साल 7 साल तक रिसर्च करके डॉक्टरेट लेते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी है जो ये स्कैम के चक्कर में पैसा दे के कुछ खरीद लेते हैं, बड़े बड़े साधु के पास भी चले जाते हैं ये लोग, डॉक्टरेट बेचते हैं, लेकिन कैसे ये डॉक्टरेट दे सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई आपका रिकॉग्निशन नहीं है, फिर भी ये डिग्री बेच रहा है, बहुत शर्मिंदगी की बात है, हम लोग बहुत शर्मिंदा है इसके ऊपर। ये सब जानता है हर एक, आप अगर कहो कि एडुकेशन सेक्टर में जो लोग रहते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, सबके पास ऐसा ईमेल आता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। मुझे लगता है रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि अगर एडुकेशन के साथ स्कैम हो रहा है, बहुत बड़ी स्कैम हो रही है, शेयर करो आप लोगों के दोस्तों के साथ, आपके कलीग के साथ, अगर ऐसा कुछ आप लोगों के पास आ रहा है, कभी भी पैसा देके ऑनरी डॉक्टरेट नहीं खरीदना, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है।